हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरितकी यानी कि हरड़ के बारे में। यस्य गुरु है नास्ति माता तस्य माता हरितकी, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस श्लोक का मतलब होता है कि जिसके घर में माता नहीं है, उसके घर में अगर हरितकी है तो वो माता का रोल प्ले करती है। शायद कभी माता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन हरितकी आपके शरीर में कभी भी प्रकोप नहीं करती है। हरितकी, जिसको हम हरड़ भी कहते हैं, हरितकी आयुर्वेद की सारी औषधियों में नंबर वन औषधि मानी जाती है। हरितकी के अलग अलग वेराइटीज होती है, जिसमें विजया हरितकी, चेतकी हरितकी, रोहिणी हरितकी, पूतना हरितकी, जयंती हरितकी, अभया हरितकी, अमृता हरितकी, ये इसके अलग अलग वेरिएंट्स है फ्रेंड्स। और स्पेशली हरितकी का जो रोल है वो हमारी गट हेल्थ, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन, हमारा जो पेट है, हमारा जो गट है, उसकी ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करना, और स्पेशली डिसीज जैसे कि हमारी इसोफेगस, गले में सूजन आ जाना, हार्ट बर्न होना, डायरिया, फ्लेटुलेंस, पेट फूल जाना, गैस, अल्सर, ऐसे जितने भी हमारे गेस्ट्रो इसोफेगियल डिसीज है, वो सारे डिसीज और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, ऐसे सब डिसीज में हमें क्योर पहुंचाना और शरीर में से खराब वायु का अनुलोमन करना, ये उसका मुख्य रोल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हरितकी की क्वालिटीज और तीनों दोष वायु, पित्त और कफ पे उसके किस तरह से इफेक्ट होते हैं। हरितकी का जो रस है, हरड़े का जो टेस्ट है, उसमें पांच टेस्ट पाए जाते हैं हरितकी में। जैसे कि हम जानते हैं कि छह टेस्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ एक नमकीन को छोड़ के मीठा, खट्टा, फिर बिटर, फिर स्पाइसी और कसेला, ये सारे टेस्ट हरितकी में पाए जाते हैं। हरितकी के गुण की अगर हम बात करें तो वो लाइट होता है, डाइजेशन में लाइट होता है और थोड़ा सा वो ड्राइनेस करने वाला उसका गुण होता है। हरितकी के वीर्य की बात करें, उसकी पोटेंसी की बात करें, तो नेचर में गर्म होता है, उष्ण होता है, इसीलिए उसको स्पेशली वात की औषधि मानी जाती है। और उसका जो विपाक है, मतलब उसका टेस्ट, डाइजेशन होने के बाद, जो टेस्ट कन्वर्जन है, वो मधुर यानी कि मीठा हो जाता है। और हमारे तीनों दोषों पे उसका प्रभाव जो है वो त्रिदोषज्ञ है, यानी कि तीनों दोष वात, पित्त और कफ, तीनों के ऊपर उसका इक्वल प्रमाण है और शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम हरितकी करती है। लेकिन स्पेशली अगर हम देखने जाए वायु के 80 प्रकार के रोगों की यह बेहतरीन औषधि मानी जाती है। हरितकी का जो डोज है वो 3 से 6 ग्राम दिन में सुबह और शाम ले सकते हैं, और अगर उसको क्वाथ के स्वरूप में लें तो 15 से 30 ml उसको सुबह शाम हम खाली पेट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि हरितकी के सिनोनिम्स क्या है, उसके नाम क्या है। हरितकी को हम टर्मिनलिया चेबुला नाम से जानते हैं, उसके अलावा इसको अभया और हरितकी, ये नामों से जाना जाता है। हरितकी को किस तरह से हम ले सकते हैं, सबसे पहले हरितकी को हम एक फ्रूट के पेस्ट के स्वरूप में ले सकते हैं, दूसरा उसका पाउडर्स ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके उसको लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वुंड हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाए। और अगर हम हरितकी की बात करें तो कुछ ऐसे डिसीज है जिसमें हरितकी को हमें लेने में प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि अगर कोई फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज है, उन लोगों को हरितकी का सेवन अपने डॉक्टर से पूछकर उसकी सलाह के बाद करना चाहिए। हरितकी के डोज की अगर हम बात करें, अगर हरितकी को हम पाउडर के स्वरूप में कंजम्पशन करते हैं तो हरड़े का जो चूर्ण है वो आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच सुबह शाम हम ले सकते हैं। अगर कैप्सूल के स्वरूप में सेवन करें तो 2-2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अगर टेबलेट के स्वरूप में हम सेवन करें तो 1 से 2 टेबलेट सुबह शाम हम ले सकते हैं। और अगर काढ़े के स्वरूप में सेवन करें तो जैसे मैंने आपको आगे बताया, हम इसको 15 से 30 ml सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। और रेकमेंडेड डोज जो है हरितकी का, वो आधी से 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद का है। हरितकी की स्पेशल क्वालिटीज अगर हम भाव प्रकाश संहिता के अनुसार आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से देखने जाए तो ये बेस्ट दीपन पाचन करने वाली, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाली और डाइजेशन करने वाली औषधि मानी जाती है। ये श्रेष्ठ ज्वरग्न औषध है, मतलब कि फीवर की ये बहुत बेहतरीन दवाई है। उसके अलावा श्वास खास कास यानी कि सर्दी खांसी, अस्थमा, प्रमेह यानी कि डायबिटीज, अर्श यानी कि जिनको पाइल्स की तकलीफ है, कुष्ठ यानी कि सारे स्किन डिसीज, फिर उसके अलावा शोथहर यानी
कि जो स्वेलिंग आ जाती है हाइपोथायराइड जैसे रोगों में, वैसे लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। स्थौलीय यानी कि ओबेसिटी की बहुत बढ़िया मेडिसिन हरी तकी को माना जाता है। उधर यानी कि पेट के जितने भी रोग है, कृमि रोग है, ग्रहणी यानी कि आईबीएस का प्रॉब्लम है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराने समय से कब्ज रहती है, पेट बार बार फूल जाता है, पेट गैस हो जाती है, पेट को दबाने से बहुत दकार है और पेट में दर्द होने लगता है, उसके अलावा जिन लोगों को बहुत बार बार पानी की प्यास लग रही है, जिनको वॉमिटिंग हो रही है, जिनको हिचकिया यानी कि हिकअप्स आ रहे हैं, स्किन में इचिंग का प्रॉब्लम है, जिनको रिफ्लक्स यानी कि इसोफेजियल रिफ्लक्स है, अम्लपित्त का रोग है, पेट फूल जाना या पेट में दर्द होना, अस्थमा और वात रक्त यानी कि गाउट, ये सारे रोगों में हरी तकी एक बेहतरीन औषधि के रूप में दी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से जिनको पीलिया का रोग है, जिनको जॉन्डिस हुआ है, जिनको लीवर और स्प्लीन के रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको किडनी में पथरी का प्रॉब्लम है या यूरिन बिल्कुल रुक गया है, वैसे लोगों में भी हरी तकी का सेवन किया जाता है और उससे उत्तम रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। हरी तकी को एक बेस्ट चक्षुष्य औषधि यानी कि वेरी गुड मेडिसिन फॉर आईज यानी कि आंखों की एक बेहतरीन औषधि माना जाता है और यह वयस्थापन औषधि माना जाता है, यानी कि जो हमारी उम्र को, जो लोग रेगुलर हरी तकी का सेवन करते हैं उनकी उम्र जितनी होती है उससे कम दिखती है, यानी कि एज रिड्यूसिंग इसको माना जाता है। अब हरी तकी को अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीके से इसका सेवन किया जाता है। जैसे कि अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें, मॉनसून सीजन में, तो सिंधव नमक के साथ इसका सेवन किया जाता है। अगर हम शरद ऋतु की बात करें, ऑटम सीजन में, तो इसको देशी खांड यानी कि खड़ी साकर के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। हेमंत ऋतु की बात करें यानी कि लेट ऑटम और अर्ली विंटर की बात करें तो सौंठ के साथ हरी तकी को मिक्स करके उसका सेवन किया जा सकता है। अगर हम शिशिर ऋतु की बात करें यानी कि विंटर सीजन, तो पिपली नाम की औषधि के साथ हरी तकी को मिक्स करके उसका सेवन किया जा सकता है। और अगर हम वसंत ऋतु की बात करें तो वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन में हम इसको शहद के साथ ले सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में हम इसको फ्रेश गुड़ के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऋतुओं में हरी तकी को अलग अलग एडजुवेंट के साथ उसका सेवन किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि हरी तकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हरड़े हमारे शरीर में क्या क्या फायदा करती है। हरड़े सबसे बेहतरीन औषधि है वीक डाइजेशन की। जिन लोगों की पाचन क्रिया मंद रहती है वैसे लोगों को हरड़े का सेवन सुबह शाम आधी आधी चम्मच गर्म गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधे से एक घंटे पहले करना चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है वैसे लोगों को हरड़े या हरी तकी का काढ़ा बना के पीना चाहिए। हरी तकी का काढ़ा सुबह शाम खाली पेट लेने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। ये एक बेहतरीन दीपन पाचन औषधि है। और ओबेसिटी यानी कि जो लोग मोटापे के शिकार है, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, वो लोग रोज रात को सोते वक्त एक चम्मच हरी तकी के चूर्ण को एक ग्लास गर्म पानी के साथ सेवन करें और रोज सुबह उठ के खाली पेट एक चम्मच हरी तकी के चूर्ण को एक ग्लास गर्म पानी के साथ सेवन करें। दोस्तों ये बेहतरीन औषधि है वेट लॉस के लिए। उसके अलावा जिन लोगों को कफ और कोल्ड की शिकायत रहती है वैसे लोगों को हरी तकी का सेवन सेंधा नमक के साथ मिक्स करके करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक के साथ हरी तकी का सेवन करने से ये शरीर में बढ़े हुए कफ को ठीक करती है और बैलेंस कर देती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक रहती है, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर है, वैसे लोगों को हरी तकी एक रसायन औषध के स्वरूप में इसका सेवन कर सकते हैं। हरी तकी को आप रसायन औषध यानी कि हरी तकी एक एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है जो शरीर में एक्टिव फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकाल के एक जबरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन करके आपको आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करती है। उसके अलावा जिन लोगों को स्किन डिसीज है यानी कि जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है वैसे लोग हरी तकी का सेवन खाना खाने के बाद करेंगे तो उनका पित्त बैलेंस होगा और स्किन डिसीज में राहत मिलेगी। जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज जिन लोगों को है वैसे लोगों के लिए एक रसायन का काम करती है। और अल्जाइमर्स डिसीज जो है जिसमें लोग भूल जाते हैं ये डिसीज वायु के वजह से होता है। ये ब्रेन में डीजनरेटिव चेंजेस होने की वजह से होता है। डीजनरेटिव चेंजेस को आयुर्वेद के वायु के रोगों के साथ कंपैरिजन में लिया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया वायु के 80 प्रकार के रोगों में हरी तकी एक बेहतरीन औषधि का काम करती है, तो ये वायु के रोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हुई है। इसकी वजह से ये अल्जाइमर डिसीज में बहुत अच्छा
रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। उसके अलावा जिन लोगों को एक्ने हैं, जिनको चेहरे पे बार बार पिंपल्स एक्ने आ जाते हैं, वैसे लोगों को हरी तकी उसके वृक्ष गुण की वजह से और उसके कषाय गुण की वजह से बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकती है और एक्ने को बिल्कुल ठीक कर सकती है। जिन लोगों को हेयर लॉस की तकलीफ है फ्रेंड्स, उनके लिए भी हरी तकी एक बेहतरीन औषधि है, क्योंकि हरी तकी एक रसायन औषधि है। इसीलिए हरी तकी में विटामिन सी, आयरन, मैंगनीज, सिलेनियम और कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे हेयर लॉस को बिल्कुल अच्छे से ठीक कर देता है। जिन लोगों को स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है, अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक रसायन औषधि का काम करती है। ये रोपण कर्म करने वाली है औषधि है, यानी कि अंदर में जाके रोपण कर्म करती है, अंदर से हील करती है बॉडी को और अर्टिकेरिया को ठीक करती है। जिन लोगों को वुंड हीलिंग करवाना है, जिनको वुंड हुआ है, कहीं पे घाव जखम हुआ है, तो उसका जो एस्टिजेंट टेस्ट है, उसका जो कसेला टेस्ट और रोपण कर्म है, उसकी वजह से वुंड हीलिंग में भी हरी तकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जिन लोगों को लीवर को और अपनी आंतों को, स्प्लीन को मजबूत रखना है, वैसे लोगों को, जिनको अपना डाइजेशन ठीक रखना है, वैसे लोगों को हरी तकी का सेवन नित्य प्रमाण में करना चाहिए। जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर के पेशेंट्स भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर हरी तकी का किस तरह से सेवन करना है, जरूर से अपने डॉक्टर को मिले और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार फर्स्ट ग्रेड के कैंसर के पेशेंट जो है वो हरी तकी का सेवन जरूर से करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं कैंसर जैसे डिजीज में। उसके अलावा जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो एक वायु का डिसऑर्डर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हरी तकी वायु की बेहतरीन औषधि है, आर्थराइटिस में भी ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर हरी तकी को गिलोय के साथ मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाए तो आर्थराइटिस में बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें स्वेलिंग और पेन यानी कि सूजन और दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों प्रमेह, डायबिटीज की तो मैं आपको क्या बात करूं, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायबिटीज के हर पेशेंट्स को हर डे यानी हरी तकी देता हूं, और हरी तकी की वजह से मैंने काफी पेशेंट्स में ऐसा देखा हुआ है कि उनका इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है और बीटा सेल्स एक्टिव होने की वजह से धीरे धीरे उनका शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है। जिन बच्चों को डेंटल कैरीज रहती है, जिनके दांतों में सड़न रहती है, दांतों में झुनझुनाहट की प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों के लिए और वैसे लोगों के लिए, अगर बड़े लोगों में भी ये तकलीफ है, तो हरडे में जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो आपको डेंटल कैरीज से बिल्कुल निजात प्राप्त करवाती है। जिन लोगों को सरदर्द की शिकायत है, जिनका सरदर्द होता है, उन लोगों को भी हरडे बेहतरीन औषधि का काम करती है। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब ये दीपन और पाचन यानी कि आम का पाचन करवाएगी और मेटाबॉलिज्म को अग्नि जो है उसको दीपन करेगी, प्रदीप्त करेगी, तो उसकी वजह से वायु का अनुलंबन हो जाता है और उसकी वजह से हेडेक के रोग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। उसके अलावा इसको एक बेहतरीन चक्षुष्य औषध माना जाता है। हरडे जो है वो एक बहुत बेहतरीन औषधि है हमारी आईसाइट के लिए। जिन लोगों को आंखों में जलन की तकलीफ है या कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, वैसे लोगों को हरडे का रेगुलर सेवन करने से उनकी आईसाइट भी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ पे हरड़ यानी कि हरी तकी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। हरी तकी के बहुत सारे दूसरे यूज भी है, लेकिन जो उसके बेहतरीन फायदे है वो मैंने आपको बताए। आशा रखता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।